दिवसीय शो का उद्घाटन किया। एयर चीफ मार्शल ने बनाया गुरुकुल फॉर्मेशन। राफेल, तेजस और सुखोई भी उड़ान भरेंगे। बेंगलुरु के यलहंका की एयरफोर्स स्टेशन में एयरो इंडिया 2023 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 14वां एडिशन है। एयर शो की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला यह शो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित होगा। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी उद्घाटन के फ्लाई पास्ट में गुरुकुल फॉर्मेशन डील किया। उन्होंने एलसीए उड़ाए। गुरुकुल फॉर्मेशन में एक एलसीए, एक हॉकी, एक आईजीटी, एक एचटीटी 40 होता है। सबसे पहले फ्लाई पास्ट में हेलीकॉप्टर्स पर तिरंगे के साथ G20 का झंडा भी नजर आया। HAL ने शो में नया फाइटर प्लेन HLFT-42 प्रदर्शित किया। इसकी टेल पर बजरंग बली को दिखाया गया है। साथ ही मैसेज लिखा है, तूफान आ रहा है। इसके अलावा यह कार्यक्रम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, HTT-40 डोनियर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LHU, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ALH जैसे स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ट्रेड शो, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, रक्षा उपकरण कंपनियों के 73 CEO की गोलमेज मीटिंग होगी, मंथन स्टार्टअप शो और बंधन समारोह, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के लिए नई साझेदारियां की जाएंगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।